दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022, दोस्तों मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज जो है एक आर्टिकल छपा है, आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि फिर से आप लोगों का डेट बढ़ा हुआ है, फिर से आप लोगों का डेट बढ़ चुका है। अपडेट क्या है, किस प्रकार अपडेट दिया गया, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिल सके। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि 20 नवंबर तक जो है आप लोगों का लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, ठीक है। फॉर्म भरने को लेकर जो लास्ट डेट दिया गया था 20 नवंबर तक दिया गया था, तो उन सभी विद्यार्थियों में कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने जो है परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे। उन सभी विद्यार्थियों के लिए फिर से जो है डेट आगे बढ़ा है, फिर से आप लोगों का डेट बढ़ाया गया है। तो क्या है अपडेट, देखिए स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि मैट्रिक इंटर फॉर्म 27 तक भर सकेंगे, यानी कि 27 दिसंबर तक, यानी कि आज हो गया 25 दिसंबर, कल 26 है, परसों 27 है, यानी कि दो दिन आप लोगों का डेट दिया गया है परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर 12 वालों का जो है एग्जाम फॉर्म डेट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम मेरा छूट गया था, तो उन सभी के लिए एक अवसर मिला है, उन सभी विद्यार्थियों के सुनहरा अवसर जैकबोर्ड की तरफ से दिया गया है कि उन सभी विद्यार्थियों की जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, उनका जो है 27 दिसंबर तक भरा जाएगा। देखो इसमें आगे क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। जो छात्र छात्रा अब तक आवेदन नहीं भर सके हैं, वह विलंब शुल्क के साथ, देखो आपका जो फॉर्म अभी भराएगा 27 दिसंबर तक, ये जो फॉर्म भराएगा आपका विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। ये मत सोचे कि इसमें विलंब शुल्क नहीं लगेगा, इसमें आपका विलंब शुल्क के साथ में आप लोगों का परीक्षा फॉर्म जमा किया जाएगा। देखो इसमें लिखा है कि मैट्रिक और इंटर के आवेदन भरने की प्रक्रिया अक्टूबर अंतिम सप्ताह में हो गई थी, 13 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क और 20 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए गए थे। 20 नवंबर को आवेदन भरने की अंतिम तिथि तय की गई थी। इस दौरान जो है त्योहार होने की वजह से, स्कूलों में छुट्टी होने की वजह से, जिससे कई छात्र छात्राएं निर्धारित समय पर जो है आवेदन नहीं भर सके हैं, तो उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मौका दिया गया है ताकि वे अपने बोर्ड एग्जाम की परीक्षा फॉर्म जो है जमा कर सके, भर सके। तो दोस्तों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों आप लोगों से मेरा विनती यह है कि आपने अभी तक जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट नहीं किए हैं कि हमारा डेट शीट कब तक आने वाला है। तो दोस्तों मैंने कल ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि अब जल्द से जल्द हम लोगों को मुहिम चलानी होगी। तो दोस्तों हमने जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट कर चुका हूं, ठीक है। आपको सिर्फ रीट्वीट करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपने भाई बहनों, अपने दोस्त को, सभी को कहना है कि आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है रीट्वीट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा रीट्वीट करेंगे, उतना ज़्यादा फैलाएंगे उसको, ताकि झारखंड सरकार जो है आप लोगों का डेट शीट जल्द से जल्द जारी करे और आपका जो है एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम में काफी ज्यादा डिले हो रहा है। अगर इसी तरह डिले होता रहा तो बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है कि आप जो है उस ट्वीट को जो है ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करेंगे और अपने दोस्तों में ज्यादा से शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी को इस वीडियो में बताया कि 27 दिसंबर तक जो है जिन बच्चों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, उन सभी विद्यार्थी जो है 27 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।